नमस्कार दोस्तों, भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और सीरीज भी अपने नाम कर ली है। भारत के लिए ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल ने 6 विकेट के लिए नाबाद 72 रन की साझेदारी निभाई, जिसमें जुरेल के बैट से विनिंग रन निकले। भारतीय टीम ने अपने घरेलू मैदान पर यह लगातार 17वीं सीरीज जीती है। आपको बता दें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर समाप्त हो गई, जिसके जवाब में टीम इंडिया 307 रन ही बना सकी। फिर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में अश्विन और कुलदीप के आगे घुटने टेक दिए और 145 रन पर ही सिमट गए। जैक क्राउली ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए थे। अश्विन ने 35वीं बार टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लिए, वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा को सिर्फ 1 विकेट मिला। 192 रन का पीछा करते हुए सोमवार को मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गवाए 40 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को पहला झटका 84 के स्कोर पर लगा, जब जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को जेम्स एंडरसन के हाथों कैच कराया था। फिर रोहित शर्मा भी टेस्ट करियर का 17वां अर्धशतक लगाने के बाद पवेलियन लौट गए। फिर लगातार गिरते विकेट के बीच जुरेल और शुभमन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और सूझबूझ के साथ खराब गेंद पर चौके जड़े। दोनों स्ट्राइक रोटेट करते रहे और भारत को जीत दिलाई, जिस बीच शुभमन ने टेस्ट करियर का अपना 6ठा अर्धशतक भी लगाया। इस सीरीज में सिर्फ एक नाम ऐसा चमका जिसका बल्ला और नाम काफी समय तक याद किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल की। भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में इतिहास रच दिया। रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में जायसवाल ने 73 रन बनाए। इसके साथ वह एक टेस्ट सीरीज में 600 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। पिछले साल वेस्टइंडीज दौरे पर डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल ने मौजूदा 5 मैच की टेस्ट सीरीज में अपनी 7वीं पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। इससे पहले एक टेस्ट सीरीज में 600 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा सिर्फ 4 भारतीय बल्लेबाजों ने किया था। इसमें भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और दिलीप सरदेसाई शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में एक टेस्ट सीरीज में 2 बार से 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। आपको बता दें, एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट में 4 शतकों से 974 रन बनाए थे। अभी ये देखना बाकी है कि क्या यशस्वी जायसवाल 5वें और आखिरी टेस्ट में ये कीर्तिमान भी अपने नाम कर लेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।